गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, सही होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्लिट एसिड में लीक कैसे अरेस्ट करते हैं। लीक को अरेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप शैम्पू सॉल्यूशन से लीक को टेस्ट कीजिए। जब आपको लीक मिल जाए, लीक मिलने के बाद आप उसमें बेजिंग टॉर्च की मदद से उसमें वेल्डिंग कर दीजिए। अच्छी तरह से वेल्डिंग होने के बाद आप दोबारा से उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर या रेफ्रिजरेंट का प्रेशर या कंप्रेसर से एयर डाल के किसी भी सोर्स ऑफ प्रेशर से आप उसका लीक दोबारा से टेस्टिंग कर लें। जब लीक टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप यूनिट को 15-20 मिनट तक वैक्यूम कीजिए ताकि आपका कूलिंग परफॉर्मेंस सही रहे। प्रॉपर वैक्यूम होने के बाद आप उसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये R32 गैस का एसी है, तो गैस चार्जिंग का प्रोसेस मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हमें अपना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।